चैप्टर में हमने यहाँ तक क्या पढ़ा था कि एक कौन था, एक कंजूस राजा था। वो क्या था? बहुत कंजूस था। वो अपने प्रजा की क्या नहीं करता था, वो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता था। वो अपने प्रजा को क्या रुपये नहीं देना चाहता था, वो खर्चा नहीं करना चाहता था। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो वहां पे कौन आता है? एक सन्यासी आता है। वहां पे कौन आता है? एक सन्यासी आता है। दो दिन बाद न जाने कहां से एक बुढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। कौन आया? एक बुढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता करण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसन्नति सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रसन्नता सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मिल भी जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। मैं तो कौन हूँ? सन्यासी हूँ। मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा क्या करना चाहता हूँ? प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरे भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। इसी तरह से प्रतिदिन दोगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करते देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए क्या हो गए? घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। तो राज भंडारी क्या करने लगे? दान को निकालते गए, जैसे किसने, जैसे सन्यासी ने बताया था उस तरह से। फिर क्या हुआ? दान, उनको लगा कि दान क्या निकल रहा है, दान काफी निकला जा रहा है। यह देखकर वो उलझन महसूस करने लगे। तो महाराज ने उसने क्या सोचा कि महाराज ने कभी किसी को इतना दान नहीं दिया। उन्हें यह बात किसको बताई? मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मंत्री हड़बड़ाता हुआ राजा के पास गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे?
मंत्री ने क्या, मंत्री हड़बड़ाता हुआ कहाँ गया? मंत्री हड़बड़ाता हुआ बाद में राजा के पास गया और राजा ने पूछा क्या बात है? मंत्री बोले महाराज राजकोष क्या हो गया? राजकोष खाली होने जा रहा है, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा वह कैसे? तो उन्होंने क्या किया, उनको राजा को दान का हिसाब दिया। कैसे दिया? पहला दिन क्या था? 1 रुपया। दूसरे दिन 2 रुपये। तीसरे दिन 4 रुपये। तीसरे दिन 4 रुपये। चौथे दिन 8 रुपये। पांचवे दिन 16 रुपये। छठवे दिन 32 रुपये। छठवे दिन 32 रुपये। सातवें दिन 64 रुपये। आठवे दिन 128 रुपये। नवे दिन 256 रुपये। दसवें दिन, दसवें दिन 512 रुपये। ग्यारहवें दिन 1024 रुपये। बारहवें दिन 2048 रुपये। तेरहवें दिन 4096 रुपये। चौदहवें दिन 8192 रुपये। पंद्रहवें दिन 16384 रुपये। सोलहवें दिन, पंद्रहवें दिन 16384 रुपये। और सोलहवें दिन 32768 रुपये। 32768 रुपये। और सत्रहवें दिन 65536 रुपये। 65536 रुपये। फिर 18वें दिन, 17वें दिन कितने दिए थे? 65536। और 18वें दिन, 131,072 रुपये। 19वें दिन 262,144 रुपये। और 20वें दिन 524,288 रुपये। और कुल 10,48,575 रुपये। मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया। मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10,00,000 रुपये झटकने का उपाय कर लिया। राजा ने गुस्से से कहा मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, पैरों पर गिर पड़ा, बोला दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से
लेने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा हमारे महाराजा करण जैसे ही दानी है। ओके, तो इसको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। तो प्रजा की लाज किसने बचाई, सन्यासी के कारण क्या हुए, प्रजा की जान बची। ओके, तो हमें सभी जरूरतमंदों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। कल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।